गुरुग्राम में 25 फरवरी को होने वाली मैराथन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस मैराथन में किसान आंदोलन की आंच बाधा बन सकती है। कुछ किसानों द्वारा इस मैराथन में बाधा डालने की तैयारी की गई है। वहीं जिला उपायुक्त का कहना है कि मैराथन को शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों से भी बातचीत की जा चुकी है कि वे इसमें कोई बाधा न डाले। बावजूद इसके भी प्रशासन हर तरह से तैयार है ताकि इस मैराथन को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि पहले इस मैराथन में भाग लेने वालों के लिए 20 फरवरी तक आवेदन करना था, लेकिन लोगों के आवेदन को देखते हुए इसकी तारीख 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि मैराथन को लेकर रूट प्लान तैयार किया गया है, पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं इस मैराथन में क्रिकेटर शिखर धवन सहित कई अन्य खिलाड़ी भी भाग लेंगे। तो साथियों, एक हमने चर्चा इस पे पिछले हफ्ते भी की थी हमारे सारे मीडिया साथियों के जरिए, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। हमारे पास इस समय आई थिंक 27,000 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुका है। हमारी प्लान है कि अराउंड 40,000 के आसपास लोग रजिस्टर करें और इसमें आकर के दौड़े, और ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पोर्ट इवेंट रहेगी पूरी कंट्री के लिए। मुझे नहीं नज़र आता कि कोई नियर बाई सिटीज़ में इस तरह की इवेंट्स हुई हों इतनी बड़ी स्केल पे, और ये हम सब के लिए जो लोग गुरुग्राम से संभव कनेक्टेड हैं सबके लिए एक बड़ा गर्व की विषय है, गर्व की बात है। सरकार की भी बड़ी प्रतिबद्धता इसको लेकर के है कि इसका बहुत ही सफल और सेफ आयोजन किया जाए, और समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमने जो रजिस्ट्रेशन इसका था वो आज तक रखा था 20th इवनिंग तक, लेकिन जो कि इसके लिए कितनी रिक्वेस्ट आई है और पिछले 3-4 दिन में इतने हर रोज लगभग 4-5 हज़ार लोगों ने रजिस्टर किया है, सो वी हैव डिसाइडेड कि इसको हम 22nd तक कंटिन्यू करेंगे। सो एक तो 2 दिन और हम इसका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को जरूर सब लोगों तक पहुँचाएँ कि इसका रजिस्ट्रेशन अब 22nd तक हो गया है। वो हमारा इसलिए कंपल्शन है तब रोकना, क्योंकि हमें फिर उन सब लोगों को जिन जिनको हमने रजिस्टर किया है उनको किट्स देनी है, और किट्स में उनके टी शर्ट्स हैं, बिब्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें उनको देनी पड़ेंगी। तो दैट इज़ वाई हमें उसको 22nd को लिमिट करना पड़ेगा। पैरेलली परसों से यानी 22, 23 और 24 फर्स्ट हाफ में इन 2.5 डेज 2.5 दिनों में हम लेजर वैली पार्क में ही एक एक्सपो का भी आयोजन कर रहे हैं। उस एक्सपो में कुछ काउंटर्स तो हम रखेंगे ही जो किट्स देने के लिए जो जो लोग रजिस्टर हुए हैं, साथ में काफ़ी अच्छी जो कंपनीज हैं उसको विशेष करके जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं उनके काउंटर्स भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा भी बाकी और काउंटर्स लगेंगे, बहुत अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। अगेन मैं आप सबके ज़रिए लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक्सपो ज़रूर विज़िट करें, और ये 3 दिन एक्सपो रहेगी तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी आ सकते हैं वो, एंड इट विल बी एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। उसमें बहुत आराम से आप 2-3 घंटे इसमें घूम सकते हैं, आपको समय का पता ही नहीं लगेगा, और जितने भी लेटेस्ट आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, जितने आपके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर दिखाए जाएंगे, और नेचुरली आपको आपकी किट वहाँ पर दी जाएगी। साथ में हमने इसके प्रमोशनल रन्स भी हम करा रहे हैं। एक प्रमोशनल गुरुग्राम में संडे को होगी थी, एक आज मानेसर में भी आयोजित कराई गई। इसके ज़रिए हमारा उद्देश्य ये है कि गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, फारूकनगर, सोहना, हर जो हमारे कस्बे हैं वहाँ भी लोगों में जागरूकता लेके आई जाए। तो इन प्रमोशनल रन्स में भी 500 से 700 लोग हर रोज़ दौड़ते हैं इस 25 वाली इवेंट को प्रमोट करने के लिए।